बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वंस अगेन दोबारा लाइव स्टार्ट हो गई। अब बिल्कुल ठीक है, बात आ रही है आपको? सब ठीक चल रहा है? अब ठीक है? हाँ, जबरदस्त हो गया। इंटरनेट का ही प्रॉब्लम था, इंटरनेट की प्रॉब्लम भी वैसे ये सब हो रहा था। इस स्ट्रीम को भी लाइक कर दें और दूसरों तक शेयर कर लें। अब जो है वो मेरे ख्याल से काफ़ी इधर उधर की बातें होंगी, आपके क्वेश्चन आंसर काफ़ी ज़्यादा होंगे। अब हम बात करते हैं फियर ऑफ डेथ के बारे में, डेथ फोबिया के बारे में, कि हमने इसको किसी भी फोबिया को डील करना होता तो कैसे करना होता, उसके लिए क्या जो है वो मतलब आपको करना चाहिए। सहरी के बाद नींद नहीं आती घंटों तक, और दिन काम करने का दिल नहीं करता। सहरी के बाद आप वॉक किया करें, सहरी से पहले भी वॉक किया करें, थोड़ा सा अपनी ना रूटीन को मैनेज करें। एकदम खा के आप लेटे नहीं, और स्ट्रीम को लाइक कर दें और दूसरों तक जरूर शेयर करें। अच्छा, आप लोग रेडी हैं करें फिर डेथ फोबिया के बारे में बात, क्योंकि मैंने फिर आपसे कुछ क्वेश्चंस भी करने हैं फिर उस हवाले से जो है ना, ताकि जो चीज़ें हैं वो आपको समझा सकूँ और वो जो चीज़ें क्लियर हो सकें कि कहाँ हम गलती कर रहे हैं और कहाँ नहीं कर रहे। क्या मसला हो गया था सर? मसला इंटरनेट का ही शायद हो गया था, क्योंकि अभी जिस रूम में मैं बैठा हूँ बाहर इंटरनेट लगा है, तो ये रूम जो है ना ये साउंड प्रूफ है, तो शायद ये एक रीज़न है कि मतलब बाहर से अंदर इंटरनेट के कोई सिग्नल्स वगैरह कोई ऐसा इशू कर रहे हैं, लेकिन अभी जो इंटरनेट है वो मेरे पास है, तो इस वजह से जो है ना वो ज़्यादा गुस्सा बहुत आता है। क्या करूं, गुस्सा आता है तो माफ कर दिया करें, अपने आप को भी दूसरे को भी। रेडी? अल्हम्दुलिल्लाह रेडी, ठीक हो गया। जल्दी इसका सलूशन बताएं, जल्दी किसी काम में ना किया करो यार, रेस्ट मतलब रिलैक्स रहा करो। यस प्लीज स्टार्ट टॉपिक, कुछ लोग और आ जाएं ताकि जो है वो हमारा जिन लोगों के साथ ये टॉपिक स्टार्ट करना था वो भी आ जाएंगे, तो इंशाल्लाह जो है वो फिर स्टार्ट करते हैं। अच्छा, पहले मुझे आप सब लोग बताएं कि रोज़ा रखते हुए, मैं ये नहीं कह रहा रोज़ा अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है, लेकिन आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम, कोई ऐसी चीज़ जो आपको लग रहा है कि ये चीज़ मुझे तंग कर रही है, और अगर ये ना हो तो मेरे रोज़े और बेहतरीन हो सकते हैं, कोई ऐसी चीज़, अगर आपको प्यास का मसला है या कोई पेट का डिस्टर्ब है, स्टमक डिस्टर्ब है, तो मुझे ज़रा वो ज़रा टाइप करें, उस हवाले से थोड़ी सी जो है वो हम बात कर लेते हैं। बाकी आप लोगों की वाटर इनटेक कितनी होती है, मुझे वाटर इनटेक भी बताएं, कितना पानी आप एक दिन में पी रहे हैं रमजान में तो खासतौर पे। वीडियो को लाइक लाजमन करें। सर गुस्सा बहुत आता है, क्या करूं, गुस्सा हमेशा कमजोर इंसान को आता है, ताकतवर बंदे का ये होता है कि वो कहता है कि मैं माफ़ करूँ। आप भी माफ़ करना सीखें अपने आप को भी, दूसरों को भी, इंशाल्लाह को गुस्सा नहीं आएगा। टू बोटल्स, जबरदस्त। कौन सी कोल्ड ड्रिंक तो नहीं पीते भाई, सिंपल सिंपल पानी ही पीते ना। सब ठीक है, रोजा फिट गुजर रहा है, जबरदस्त। नहीं, ओनली ओवर थिंकिंग होती है, डिस्टर्ब होती है। ओवर थिंकिंग एट सेल्फ मतलब ये भी आपके लिए जो है वो आपकी बॉडी को, जाहिर है फिर थकावट हो जाती है इंसान को, ज्यादा ओवर थिंकिंग हो जाए तो नींद नहीं आती, रेस्टलेस रहता है बंदा। वीडियो को लाइक करें और इसे दूसरों तक शेयर करें। अच्छा, अब हम बात करते हैं फियर के बारे में, मौत के डर के बारे में। अब मुझे आप लोगों ने बताना है, पहले मैं कुछ चीज़ें पूछता हूँ। एक तो आप लोगों की एज
सब लोग अपनी अपनी एज बता दें। दूसरी चीज़ आप लोगों की सोने और उठने की रूटीन बताएं। तीसरी चीज़ आप मोबाइल को एक दिन में कितना इस्तेमाल करते हैं, आप की डाइट क्या है, क्या चीज़ें आप खाते हैं, और जो एक्सरसाइज है वो आप करते हैं कि नहीं करते, और अगर आपको कोई और भी डर है कि सिर्फ फियर ऑफ डेथ ही है, आपका वजन कितना है और आपका स्टमक किस तरह रहता है, किस तरह का रहता है, इन सारी चीज़ों का आपके जो है ना वो फियर से ताल्लुक है, आपके डर से ताल्लुक है। देखिए इसकी सिंपल सी मिसाल है कि एक बंदा जो फिजिकली स्ट्रांग होगा वो मेंटली भी स्ट्रांग होगा, एक बंदा जो वक्त पे खाता है जो वक्त पे सोता है वो ज़्यादा फिजिकली स्ट्रांग होगा वो ज़्यादा मेंटली स्ट्रांग होगा। तो हमने इस 70% को इग्नोर नहीं करना, ये चीज़ें 70% है, 30% आपके माइंड की प्रोग्रामिंग है। आप माइंड को प्रोग्राम करके और भी बड़ी चीज़ें कर सकते हो, इसको 100% भी कर सकते हो, लेकिन वो एक एक्सपर्ट का लेवल हो जाता है, वो एक नेक्स्ट लेवल हो जाता है। अगर हम इसकी अभी बात करें तो भी यही है कि हमें अपनी रूटीन को, डाइट को, एक्सरसाइज को, इन चीज़ों को इग्नोर नहीं करना। सर नमाज के दरमियान बहुत बुरे ख्याल आते रहते हैं जिसकी वजह से बहुत परेशानी होती है, काइंडली कोई अलग नमाज के दौरान जो परेशानियों वाले या बुरे बुरे ख्याल आते हैं या ऐसा कुछ आता है, इट्स ओके, ये होता है। देखिए शैतान नहीं चाहता कि आप नमाज पढ़ें, तो आप माशाल्लाह पढ़ रहे हैं, अल्लाह ताला ने आपको नमाज की जो है वो तौफीक दी है, बस आप नमाज को पढ़ें। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि या जो ख्याल आ रहे हैं आप उनको सोच सोच के अपने आप को परेशान करें, या जो ख्याल आ रहे हैं उनको छोड़ दें और अपने आप को जो है वो रिलैक्स रखें। डर से, परेशानी से जितना परेशान होंगे वो तो आपको उतना ज़्यादा करेगी ना। आप नमाज पे फोकस करें, परेशानी पे ना करें, परेशानी आ रही है जा रही है उसको जाने दें, आप अपना काम करें, उसको उसके उसके काम करने दें। स्किन ग्लो के लिए कुछ बता दें, रोज़ा स्किन ग्लो के लिए बहुत बेहतरीन चीज़ है। इसके अलावा जो है वो लाइक साबुन का कम से कम इस्तेमाल करें, साबुन जो है वो हमारे ग्लो को ख़त्म करता है, और मतलब ये भी आप रिसर्च पढ़ लीजिएगा, कुछ लोग शायद इससे इत्तेफाक करें या ना करें, लेकिन ये रिसर्च कहती है कि आप साबुन का कम से कम इस्तेमाल करें। सर रमज़ान में एक्सरसाइज टाइम देखें, आप कुछ खा लें जैसे आप इफ्तारी करें, उसके बाद जो है वो आप वॉक कर लें, वो बेस्ट है, फिर उसके बाद आप जो है वो जो आपने रात का खाना है वो खा लें, फिर उसके बाद आप वॉक कर लें, ये आपके लिए बेहतर है। कुछ छोटी मोटी एक्सरसाइज आप सहरी से पहले कर लें, वो आपके लिए बेस्ट है। छोटी मोटी एक्सरसाइज में आप उठक बैठक कर सकते हैं, पुशअप कर सकते हैं, कोई वेट रख लें 2-3 वो उठा लें आप, वो बेस्ट है। अच्छा अब देखिए इनका है कि अब जो मैं रूटीन बताता हूँ और जो ये नहीं कर रहे उनमें से हमने देखना है कि हमें फियर क्यों बनता है और फियर कहाँ आके खड़ा होता है, फिर उसको फियर को हमने अगर करना है तो कैसे डील करना है। अब ये इस भाई ने कहा है कि मेरी एज 17 है, किधर चला गया, एक्सरसाइज नहीं करता, क्रिकेट कभी खेलता हूँ कभी नहीं खेलता, मोबाइल पूरा दिन यूज करता हूँ, खाना भी नॉर्मली खाता हूँ, सुबह 6 बजे तक सोता हूँ, फिर सारी रात गेम खेलता हूँ। मेरे भाई आप तो अपनी तबाही खुद कर रहे हैं। आप लोग जितने लोग ये वीडियो देख रहे हो और जो लोग मेरे चैनल पर हो, आप जरा देखते जाना लोगों की रूटीन्स को और फिर आप बताना कि ये गलती कहाँ कर रहे हैं। भाई की एज 17 साल है, एक्सरसाइज नहीं करते, क्रिकेट कभी खेलते हैं कभी नहीं खेलते, मोबाइल पूरा दिन इस्तेमाल करते हैं, यही कह रहे हैं, खाना भी नॉर्मल है, नॉर्मल से नीचे ही होगा मुझे इतना पता है। जब आप इतना कुछ कह रहे हो तो सुबह 6 बजे तक सोता हूँ फिर रात पूरी गेम खेलता हूँ, मैंने एक केमिकल इम्बैलेंस की सीरीज बनाई थी, आप जरा उसको और इसको टैली कर लो। मैंने कहा ना कि ये 70% है जिसको हम इग्नोर कर रहे हैं और यही वो चीज़ है जो हमारे 30% को होने नहीं दे रही। 30% की बात करें ना, हम 70% को हम इग्नोर कर रहे हैं, ये 70% चीज़ें हैं जो हमने इग्नोर की और गलत कर रहे हैं हम। अच्छा आगे, सर जी अकेला बाहर नहीं जाया जाता, बाहर निकलता हूँ तो पैनिक अटैक्स आता है, लाजमन निकले, नहीं निकला जाता आंखें बंद करके निकले, जेन में सोचें, विजुलाइजेशन करें, विजुअल्स क्रिएट करें, इंशाल्लाह आपका ये मसला हल हो जाएगा। आप भी मुझे जरा अपनी रूटीन तो बताएं, आपने क्या करना है, पहले अपनी एज बतानी है, फिर अपनी रूटीन, फिर मोबाइल का इस्तेमाल, फिर डाइट क्या है आपकी, एक्सरसाइज कितनी करते हैं आप, आपको कोई और भी फियर है, और वेट कितना है आपका, स्टमक कैसा रहता है, ये सारे आप जरा बताएं, फिर यही चीज़ें मैं आपको बताऊंगा कि यही चीज़ें आपकी ज़िंदगी को ख़राब कर रही हैं जिनको हम बड़ा लाइट ले रहे हैं। बस 2 दिन पहले डेथ फोबिया शुरू हुआ, लेकिन बहुत ज़्यादा हुआ,
वासिफ साहिब, ये आपको लग रहा है कि ये 2 दिन पहले हुई है, चीज़ें बहुत पहले की ख़राब हो रही हैं और आप खुदा ना खास्ता आगे मज़ीद ख़राब कर देंगे। इनको बदलने, अभी बदलने बड़ा ज़रूरी है। मैं जब रातें जागता था, मैं 21 साल का होकर 41 साल का लगता था, मैं जब रातें जागता था कोई रूटीन नहीं थी, बड़ी परेशानियाँ थी। वो बड़ी लंबी स्टोरी है, वो बड़ी दर्द तकलीफ है, ये मैटर करती हैं, इनको इग्नोर ना करें। बस 2 दिन पहले 25 एज है, वाटर तो सही पीती हूँ लेकिन खाना भी खाती हूँ, और अगर डेथ फोबिया हो जाता है तो वॉक करती हूँ या घर का काम। बेस्ट है, बेस्ट ये है कि आप उस टाइम पे, मैं आपको एक वीडियो भी रिकमेंड करता हूँ, मेरी 10 वेज हैं जिसमें मैंने पैनिक अटैक्स को या पैनिक सिचुएशन को ओवरकम करने के 10 वेज रखे हुए हैं। वो 10 वेज मेरे सेल्फ बेस हैं जो मैंने खुद पे रख के आजमाए हैं, वो आप लाजमन देखें। पहली चीज़ ये है कि आपने उस टाइम पे फियर को लेके परेशानी हो ना, आपने फियर को खत्म करने का नहीं करना, आपने सिर्फ अपने आप को कंट्रोल करना है। आप खुद को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? एक गिलास पानी पी के, अपनी ब्रेथ को नॉर्मलाइज करके, अपनी सांस को नॉर्मलाइज करके, खुद को उस सिचुएशन से जितना निकालने की कोशिश कर रहे हैं उससे ज्यादा यह है कि आप खुद पे काम करें। आप अपने आप को ये चीज बताएं कि दिस इज रियलिटी, कोई बात नहीं, चला गया जो चला गया, हमने भी चले जाना है। आप इस चीज की तरफ जाएं, ना कि आप उस चीज की तरफ कि ये क्यों आ रहा है, ये क्यों आ रहा है, ये क्यों आ रहा है, उसकी तरफ ना जाएं। घर के काम आप कर रही हैं, अच्छी बात है, लेकिन उस टाइम आपने परेशान नहीं होना। एक जो है ना, एक सेटिस्फेक्शन रखनी है अपने अंदर के, ठीक है यार जो चला गया दुनिया से चला गया, मैं उसकी मगफरत की दुआ करूँ। ना को उस चीज़ को आपने अपने आप से लिंक कर लेना, वो गलत करना है आपने, वो नहीं करना आपने। ऑयली स्किन के लिए कुछ बताएं, ऑल ऑयल बहुत ज़्यादा जाता है जबकि वाटर इनटेक भी बहुत ज़्यादा। ऑयली के लिए बेहतर चीज़ यही है कि एक तो पानी की इनटेक आपने सही रखी है, दूसरा सोप बिल्कुल ख़त्म कर दें, सोप की तरफ ना जाएं, और वैसे आप वैसे पानी से मुंह धोएंगे वो भी आपके लिए बड़ा बेनिफिटेड है। इसके अलावा गर्मियों में जो है वो आइस होती है ना, आइस क्यूब, वो आप अगर कर सकते हैं उसका स्क्रब वो करें, वो भी बड़ा अच्छा होता है इसकी ऑयली के जो ओपन पोर्स होते हैं ना उनको बंद करने के लिए, श्रिंक करने के लिए। वो देखें आप, गर्मियों में ज़्यादा होती है, सर्दियों में ये कम हो जाता है। अच्छा, अगर माई एज 29, एक्सरसाइज नहीं है, देखते जाएं, एज 29 है भाई की, एक्सरसाइज नहीं है, क्रिकेट खेलता हूँ, बाकी खाना हर तरह का फुल पेट भर के खाता हूँ। फुल पेट भर के भी खाना हमारे लिए गलत है भाई, बिला वजह खाना, फुल पेट भर के खाना, बेतुका खाना, और मतलब कभी खाना कभी नहीं खाना, जब दिल चाहा खा लिया, जब दिल चाहा लेट लिया, ये गलत है। रूटीन में रहें, पैटर्न में रहें, ये बड़ा ज़रूरी है। मोबाइल यूज़ नॉर्मल है, मेरी जॉब ड्राइविंग की है, मोबाइल इतना नहीं चलाता। चलो ये तो अच्छी बात है कि आप मोबाइल इतना नहीं चलाते, लेकिन आप एक सोने की, एक उठने की, जागने की और एक प्रॉपर एक्सरसाइज की रूटीन लाजमन करें, क्योंकि आपकी एज जो है ना वो लाइक उस तरफ जा रही है कि जिस तरफ आपको जो है वो खाना पेट भर के, बहुत ज़्यादा नहीं खाना है, कम खाना है, एक्सरसाइज ज़्यादा करनी है, वर्कआउट ज़्यादा करना है, तो ही आपका डाइजेशन ठीक से काम करना है। बाकी वीडियोज़ को लाइक करें और दूसरों तक जरूर शेयर करें। पानी पीते रहो यार, जो लोग रिकॉर्डिंग देख रहे हैं वो लाइव जो देख रहे हैं। एज, अब ये एक और भाई है, सर मेरी एज 18 है, टाइम पे खाना भी, टाइम पे बचपन से, लेकिन फियर ऑफ दोजख है। नमाज शुरू की है, खुद को मैनेज करके थक गया, फिर घर वालों का डर लग गया कि कहीं वो ना चला के दोजख और एक्सरसाइज पहले करता था, अब नहीं। अच्छा, आपने ब्रदर, आप जो कर रहे हैं ना, अभी हम 70% पे बात कर रहे हैं, इसके एंड पे मैं आप इंशाल्लाह आपको एक एक्सरसाइज भी बताऊंगा जिससे जो है ना वो आपका ये जो फियर ऑफ डेथ है ये भी कम हो जाएगा। ये एक्सरसाइज किसी भी फियर को कम करने के लिए बड़ी ज़रूरी होती है, ठीक है? तो ये मतलब एक्सरसाइज, ये जो आपको मैं विजुलाइजेशंस बताऊंगा ना, इसकी अफर्मेशन कुछ बताऊंगा, तो वो आपको इससे काफ़ी हेल्प करेंगे। बाकी अच्छी चीज़ है, दोजख का डर होना चाहिए आपका जो है वो, एक्सरसाइज भी ऐड करें और नींद आपकी अगर है तो ठीक है, लेकिन क्या वो नींद 6 घंटे की 8 घंटे की है? जल्दी सोते हैं, जल्दी उठते हैं, नींद पूरा दिन भी सो लें आप, तो वो उसकी क्वालिटी ऑफ स्लीप होनी चाहिए, उसकी टाइमिंग होनी चाहिए, क्या वो टाइमिंग अर्ली है, वो भी ज़रा आप देखें। अच्छा फरहाद,
आप काइंडली मुझे जो है ना वो अपनी ज़रा बताएं, एक तो एज, रूटीन, मोबाइल का कितना इस्तेमाल है, डाइट क्या है, एक्सरसाइज करते हैं आप नहीं करते, फियर कोई और भी है, कौन सा फियर है, वेट कितना है आपका और आपका स्टमक कैसा रहता है, इन चीज़ों से आप खुद ही आइडिया हो जाएगा। ये 70% है सर। अगले वीडियो क्लिप में आप माइंड चेंज के बारे में बताएं प्लीज़। ये अभी हम 70% पे बात कर रहे हैं, रूटीन पे, डाइट पे, एक्सरसाइज पे। 30% जो है जो आपके माइंड में सच में बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है उस पर इंशाल्लाह हम बात करेंगे, लेकिन पहले ये रूटीन को ठीक कर रहे हैं। नेगेटिव थॉट्स बहुत ज़्यादा आते हैं, पैनिक हो जाने लग जाती। आप भी ज़रा मुझे अपनी रूटीन बताएं, एज बताएं, अपनी रूटीन बताएं, मोबाइल का कितना इस्तेमाल है, डाइट, एक्सरसाइज, फियर कौन सा आपकी ज़िंदगी में कोई और है, और आपका स्टमक कैसा रहता है, आपका वेट कितना है, ये भी आप ज़रा मुझे बताएं। शिवम ऑयल ने बहुत तंग किया हुआ है, हर चीज़ अच्छी लगती है फिर भी। शिवम ऑयल ने बहुत तंग किया हुआ, हर चीज़ अच्छी है फिर भी। चले, अच्छी चीज़ है तो अच्छी चीज़ को आप देखें, अल्लाह ताला आपको जो है वो मज़ीद बेहतर से बेहतरीन करें। 832 है वेट, 100, वेट 100 है आपका। हर चीज़ खाता हूँ, एक्सरसाइज भी करता हूँ, ऑफिस भी पूरा दिन, कभी कभी डिप्रेशन भी गुजरता हूँ। भाई आपका वेट बहुत ज़्यादा, मेरा 82 था, मैं उसको 70 कर रहा हूँ। आप अपने वेट को कम करें, आपका वेट है जो बहुत ज़्यादा, 100 kg है ना, वेट 100 है, आपने 100 को करना है और आपने इसको 75 to 80 लाना है, लेकिन बहुत तरीके से लाना है। बड़ी कीटो वगैरह ये चीज़ें हैं, मैं इनको रिकमेंड नहीं करता। आप अपनी डाइट को मैनेज करें, मील को मैनेज करें, इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है ना वो मेरे ख्याल से 3-4 बंदे वो डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं। एक तो डॉक्टर जेसन फंग भी करते हैं और डॉक्टर एरिक बर्ग DC भी करते हैं और डॉक्टर स्टैन ए के बर्ग भी करते हैं और पाकिस्तानी डॉक्टर खालिद जमील साहब हैं, वो भी यही रिकमेंड करते हैं, मेरी खुद भी यही है। इंटरमिटेंट फास्टिंग ये होती है कि 2 वक्त का खा लो, वो बेहतर है ना कि आप पूरा दिन स्नैकिंग करो। आप पूरा दिन स्नैकिंग करते हो, वेट को करो, वेट का डिप्रेशन से बहुत गहरा ताल्लुक है भाई, इसको कंट्रोल करो। कुछ भी नहीं है, बाकी अल्लाह के कनेक्शन है, बस ऐसा ही है। अल्लाह से कनेक्शन होना बड़ा ज़रूरी है। पहले एंजाइटी होती थी तो डायरेक्ट पैनिक अटैक आता था, अब एंजाइटी होने पर शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है, नम होता हो, ये देखकर अटैक आ जाता है, पैनिक अटैक आ जाता है। है जब आपको पैनिक होगा तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ तो होंगे आप, तो आप उस टाइम अपनी ब्रेथ पे काम करें, खुद को नॉर्मलाइज करें, थोड़ा मुस्कुराएं, थोड़ा वॉक करें, थोड़ा पानी शानी पी लें, इंशाल्लाह सब ठीक रहेगा। कमरन भाई आप बहुत अच्छा बंदा है, मैं बांग्लादेश का बंदा, आए थैंक यू सो मच। अल्लाह ताला जो है वो मतलब हर इंसान को सेहत देता है। सीधे वीडियो को लाइक करें, दूसरों तक जरूर शेयर करें। इंशाल्लाह जो है वो हम आज की इस वीडियो में, आज की स्लाइड में हम डेथ फोबिया पे जो है वो बात कर रहे हैं। आप कोई रूटीन बता दें मुझे, क्या करूं जैसे मैं डेथ फोबिया ख़त्म हो जाए। ठीक है, पहली तो चीज़ ये है कि आपने डेथ फोबिया को ख़त्म नहीं करना। एक मैं बात आपको बताता हूँ, डर जिंदगी का हिस्सा है, डर जिंदगी नहीं है, डर से भागते रहेंगे भागते रहेंगे। मौत का डर होना चाहिए ना, मौत का डर जिंदगी में होना चाहिए, मैं कहता हूँ होना चाहिए। अगर मौत का डर नहीं होगा तो आप तो किसी के साथ भी बुरा कर देंगे। मौत का डर होना चाहिए, लेकिन उसे बिला वजह डरना नहीं चाहिए। पीपल फोर्स यू टू एंटर इन टू डिबेट बाई यूजिंग रॉन्ग इंफॉर्मेशन, हाउ टू अवॉइड। अब ऐसे भाई हमारे इधर सबसे बड़ा अलमिया ये है कि 2 बंदे बात कर रहे हैं और वो जानबूझ के आपको बीच में घुसेड़ेंगे, हालांकि आपको भी पता होगा और उनको भी पता कि ये बात गलत है। अवॉइड करें, हमेशा ऐसी सिचुएशन से अवॉइड करें। और मैंने आपको कल भी बताया था कि किसी के आगे आप अपना एक नजरिया, अपनी एक सोच, अपना एक लाइक एक है ना, एक मशवरा रखें, मानना ना मानना, उससे एग्री करना डिसएग्री करना उस बंदे का है। रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है तो क्या करेंगे, लड़ेंगे आप? नहीं लड़ सकते ना। सो बेटर इज दिस, आपने उसको राइट कह दिया कि भाई ये ऐसे नहीं है, ऐसे है। अब करना ना करना उसकी मर्जी है, उसका जो है वो करे, जो करे, आप उस पर नहीं है ना।
बट बेटर इज दिस कि आप बहुत ज्यादा उससे बहस ना करें, छोड़ दें। मोबाइल हर वक्त इस्तेमाल करता हूँ, भाई मोबाइल का हर वक्त इस्तेमाल ही तो आपको बहुत ज्यादा डैमेज कर रहा है। मोबाइल के इस्तेमाल से बचें। एग्रोफोबिया, एक सेकंड, एग्रोफोबिया पे वीडियो कब आ रही है आपकी? अभी प्लान है इस पे इंशाल्लाह, ठीक है, इंशाल्लाह बहुत जल्द आ जाएगी। मैं कोई डेट अभी कंफर्म नहीं कर सकता, लेकिन आ जाएगी इंशाल्लाह। मोस्ट प्रॉब्ली शायद इस पे कोई लाइव भी हो जाए, है कोई, है दो तीन लोगों ने और किया ना, तो फिर इंशाल्लाह आ जाएगी। सर मेरे लेफ्ट शोल्डर में फ्रॉम टॉप टू फिंगर हर वक्त दर्द रहता है और चेस्ट पे, ये आपके स्टमक की खराबी की बहुत बड़ी रीज़न होती है, जिसकी वजह से ये होता है। आपको खिंचाव रहता है, यहाँ भारीपन रहता है, यहाँ आपको लगता है कि जैसे खाना ऊपर आने वाला नहीं है, आपको पेन रहती है, उसके लिए आप वॉक लाजमन करें। मैं रूटीन भी बता चुका हूँ, पुदीने का ज़्यादा इस्तेमाल करें। लाइक खाने पीने की चीज़ों में अनारदाना, पुदीना और धनिया, इसकी चटनी इस्तेमाल करें, दही का ज़्यादा इस्तेमाल करें, वॉक ज़्यादा करें, एक्सरसाइज करें, इंशाल्लाह आपका ये मसला हल हो जाएगा। इस डिप्रेशन एंड एंगजाइटी इज नॉर्मल इन रूटीन लाइफ, ओनली इंटेंस टाइम डिपेंड इंटेंसिटी किधर से लग गया है? एक सेकेंड, अब वो एक मैसेज आया तो बीच में सारा मिक्स हो जाता है। इंटेंसिटी इज डिपेंड एंड वॉल्यूम, डिप्रेशन एंगजाइटी ये नॉर्मल है, हर बंदे में होती है। आप देखिए खुदा ना खास्ता किसी हमारे करीबी की कुछ साथ कुछ हादसा होता है, हम डिप्रेस हो जाते हैं। हमारे किसी करीबी को कुछ कुदरती हादसा हो जाता है तो हम एंजाइटी में चले जाते हैं, खुदा ना खास्ता इसको कुछ हो जाएगा ना हो जाए। अब हर बंदे के अंदर ये इमोशंस होते हैं, हर बंदे के अंदर ये सोच होती है, गलती इंसान की खुद होती है कि जब वो कमज़ोर हो जाता है तो वो इसकी इंटेंसिटी को बहुत ज़्यादा कर देता है, वो बहुत ज़्यादा सोचता है, तो वो गलती इंसान की होती है, क्योंकि वो 70% पे काम नहीं करता, वो एक्सरसाइज नहीं करता, वो अपने माइंड को प्रॉपर प्रोग्राम नहीं करता, वो सोता नहीं वक्त पे, मोबाइल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता है, इधर उधर बहुत ज़्यादा घूमता है, इसकी वजह से ये सब होता है। सर टाइड आइज के लिए कुछ बताएं, इट्स मीन कि आपकी नींद अच्छी नहीं है, अपनी नींद पे काम करें। हार्ट फोबिया पर कैसे कंट्रोल करो, इंशाल्लाह हमारी इस पर भी एक लाइव आएगी। हार्ट फोबिया का जो ये जो डेथ फोबिया ना, इसमें हार्ट फोबिया से रिलेटेड बहुत सी चीज़ें हैं, इंशाल्लाह आपका कवर हो जाएगा। हार्ट फोबिया से रिलेटेड एक तो मुझे आप अपनी एज बताएं, रूटीन बताएं, मोबाइल का कितना इस्तेमाल है, डाइट कौन सी इस्तेमाल करते हैं, एक्सरसाइज क्या है आपकी, करते हुए कि नहीं करते, और कोई और भी तरह का फियर है इससे रिलेटेड, यानी कि एंगजाइटी है आपको, इस कोई इस किसी और तरह की भी, आपका वेट कितना है, स्टमक का कैसा चलता है आपका, ये सारा कुछ बताएं इंशाल्लाह। सर आज सोशल एंजाइटी को रोकने के लिए थिंकिंग की बीच में टॉट है, हेट थिंकिंग, नहीं, आपने कुछ भी जो है ना वो फोर्सफुली नहीं करना, आपने जो कुछ भी करना है रिलैक्स रह के करना है, ख्याल आ रहे हैं आने दे, आपने खुद को रोकना है बस। अल्हम्दुलिल्लाह कामरान भाई, मैं एक बात सुन के अमल करती जो रहती, अल्हम्दुलिल्लाह अभी अल्लाह का रहमत चाहती एक के हमेशा जो है माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे माशाल्लाह। मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गया, रूटीन अच्छी की, मेडिसिन ली, अब कम कर दी, आपकी वीडियोस देखती हूँ, अमल करती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह आप सब ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाल्लाह ऐसे ही आप नॉर्मल लाइफ की तरफ चले जाएंगे इंशाल्लाह। हमारी भी नॉर्मल लाइफ ही है यार, हम क्या, हम नॉर्मल है, सब नॉर्मल ही, हम सब नॉर्मल ही है भाई, तो ऐसा कुछ नहीं सोचना कि हमें कोई नॉर्मल लाइफ या ऐसा कुछ कुछ, अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है हम जिस हालत में भी ठीक है, बस हमारी कुछ गलतियां हैं उनको हमें सुधारना और हम ठीक हो जाएंगे। मुझे भी दोस्त एंगजाइटी है, आती है, तो मुझे लगता है कि कहीं मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा, किसी की डेथ का भी न्यूज़ का भी सुनती ही मुझे जो है एंगजाइटी हो जाती है, क्या करूं कंट्रोल करने के लिए? देखें आप किसी की डेथ का सुनेंगे तो आपकी एंगजाइटी ट्रिगर्ड हो रही है, आपको लग रहा है कि वो मर गया तो मैं भी मर जाऊंगा, तो बेटर इज दिस कि आपको इसको, ये चीज़ को इस तरह रिप्लेस कर दे कि जिंदगी की हकीकत मौत है, वो मर गया, किसी और ने भी मर जाना है, एक वक्त आना है मैंने भी मर जाना है, तो मुझे उस हकीकत से भागना नहीं है, मुझे उस हकीकत के साथ रहना है जिंदगी में। उसके लिए मुझे क्या है कि मुझे एक चीज़ समझनी बड़ी जरूरी है कि मैं कमजोर हूँ, मैं कमजोर हूँ जिसकी वजह से ये सब हो रहा है,
उसके लिए मुझे प्रॉपर अपनी रूटीन बेहतर करनी पड़ेगी, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, प्रॉपर माइंड को प्रोग्राम करना पड़ेगा। माइंड की प्रोग्रामिंग में क्या है कि उसके लिए आपको पॉजिटिव अफर्मेशन देनी पड़ेंगी। अब हम बात करते हैं माइंड को प्रोग्राम करने की। पहली चीज पॉजिटिव अफर्मेशन, दूसरी चीज आपके दिमाग में उस चीज से रिलेटेड इमेजेस क्या है। आपके दिमाग में आप जब आप जितने भी लोग हैं, आप जरा आंखें बंद करें और मुझे ये बताएं कि जब आप आंख बंद करते हैं तो आपको किसी की लाइक फियर ऑफ डेथ में सबसे पहला इमेज क्या नजर आता है। आंखें बंद करके मुझे जरा सारे बंदे जिस जिनको फियर ऑफ डेथ है या कोई भी फियर है, उस आंख बंद करके एक दो लाइक मिनट के लिए उसको करें कि आपको क्या नजर आता है, कि वो जो डर है, वो जो फियर है, वो क्या है, वो जरा मुझे कमेंट करें। मैंने भी शेयर कर दी, थैंक यू सो मच यार जिसने शेयर कर दी। अच्छा मेरे भाई, एक्सरसाइज अगेन, टाइम होता किसी के पास नहीं, निकालना पड़ता है। अभी मैं जहां बैठा हूं, मेरे सामने वेट पड़े हुए, डंबल पड़े हुए मैंने लाए हुए हैं। अब यहां से बाहर जाऊंगा, मैं रूम से बाहर जाऊंगा, मैंने वहां ईंटें रखी हुई, मेरा मैं तो शायद आपसे ज्यादा बिजी हूं, पर मैं इस सब के बावजूद भी मैं करता हूं। मैं जब किसी को कोच करता हूं, मैं बाहर निकल जाता हूं, वॉक करता हूं, साथ-साथ कोच कर देता हूं, मैं वॉक एंड टॉक पे चलता हूँ। भाई जिंदगी आसान करनी है आपने, परेशान नहीं करनी है आपने, जिंदगी को आसान बनाना है। थोड़ी देर इसको साइड पे रखना है आपने, लाइव को चलने देना है, एक मिनट के लिए सोचना है वो जो डर है, वो जो फियर है, वो क्या है आपके जहन में। डेथ फोबिया, हार्ट फोबिया, कोई भी फोबिया, क्या फोबिया, वो क्या डर है आपको। खाली पेट, खाली पेट करें एक्सरसाइज। नहीं नहीं भाई, आप जितनी मर्जी कॉल्स कर लें, कॉल्स हमें बहुत ज्यादा आती हैं, तो आप भी समझते हैं ना कि कॉल्स वगैरह पे बात करना मुश्किल हो जाता है। अगर आपको कोचिंग वगैरह चाहिए तो वो पेड है, उसकी फिर आपको अपॉइंटमेंट वगैरह लेनी पड़ती है। बेटर यही है भाई, ये वीडियोज फ्री हैं, इनको देखें आप, अपना वक्त लगाएं तो वो ज्यादा बेहतर है। मैंने वीडियो शेयर कर दी, थैंक यू सो मच मलंग, थैंक यू सो मच। अच्छा दो लोग कह रहे हैं वीडियो शेयर कर दी, यहाँ तो एक बंदा शेयरिंग के लिए आ रहा है यार, ना किया करो ऐसे। बताएं आप लोगों ने आंखें बंद करके देखा, या फर्ज करें आपने आंखें बंद की और आपको किसी ने आके कहा जी कि फलां बंदे की डेथ हो गई है, तो आपको कैसा महसूस होता है, इसको जरा सोच के मुझे बताएं। इंशाल्लाह विल पावर के ऊपर भी बात करेंगे, अभी डेथ फोबिया पे बात हो रही है, डेथ फोबिया पे करते हैं। आपको ये भाई ने लिखा, मेरी एज 31 इयर्स है और मेरा डेस्क जॉब है आईटी सेक्टर में, ऑलवेज लैपटॉप, 30 मिनट्स एक्सरसाइज करता हूँ, डेथ फोबिया। आपको अब एज देखें ना, आपकी एज 31 इयर्स है और आप डेस्क जॉब कर रहे हैं, लाइक आपकी जॉब मेरी जॉब सेम है, हम बेड पे बैठ के काम करते हैं, लैपटॉप पे हमारा सारा दिन काम होता है, नहीं ऐसे नहीं चलेगा। 30 मिनट्स तो आपके लिए नथिंग, इसको एक्सीड करें, एक्सीड करें, वॉक को भी करें, एक्सरसाइज को भी करें। अगर 30 मिनट्स आप एक्सरसाइज करें तो एक घंटा कम से कम वॉक तो ऐड करें। और दूसरी चीज ये, आपको जो है ना वो एक लाइक ट्रोमा बेस आपका है कि आपकी जिंदगी में एक ट्रोमा आया, वो गुजरा तो उसने आपको ट्रिगर्ड कर दिया, एक दिल में एक डर बिठा दिया,
उसमें भी आपके लिए यही है कि अगर आप आंखें बंद करके कोविड को याद करेंगे तो आपको फियर ऑफ डेथ ट्रिगर्ड हो जाएगा। तो अगर आप उस इमेज को छोटा कर देंगे और अपने इमेज को बड़ा कर देंगे, जो कि मैं अभी आपको बताता हूँ, तो उससे भी आपका ये मसला इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। डाइट अच्छी नहीं है बिकॉज ऑफ शिफ्ट टाइमिंग। एग्जैक्टली, हमारे लिए सबसे जो बड़ी आईटी में जो सबसे बड़ा मसला होता है ना, वो यही होता है फ्रीलांसर्स का, डाइट नहीं अच्छी होती और नींद नहीं होती और एक्सरसाइज तो बिल्कुल भी नहीं होती। विल पावर को इंशाल्लाह इस पर वीडियो बनेगी। राम राम भाई, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम कामरान सर, पेपर्स के वक्त डर क्यों लगता है? इसका सोल्यूशन पता है? अच्छा एक चीज़ देखें, पेपर के वक्त भी डर लगता है और जब हम किसी की मौत का सुनते हैं तो भी हमें डर लगता है। डर लगता है क्यों लगता है? कोई चीज़ आने वाली है ज़िंदगी में और हम उससे डरते हैं। हम अगर उसकी तैयारी कर लें तो हम कभी भी उससे नहीं डरेंगे। कभी कुछ ऐसा हुआ कि जिस दिन आपकी तैयारी अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त थी उस दिन आपको डर लगा हो? नहीं है। फियर ऑफ डेथ इसलिए है कि हमारी तैयारी पूरी नहीं है। ना हम नमाज पढ़ते हैं, ना हम अल्लाह को कसरत से याद करते हैं। हम बाय नेम मुसलमान हैं, सीधी बात है, 10% 5% के मुसलमान हैं हम। और हम सोचते हैं कि हमें बड़ा अच्छा सिला देगा। यकीनन ये सोच अच्छी है क्योंकि हम अपने आप को नहीं देखते, हम देने वाले को देखते हैं। लेकिन हमारे अमाल भी अच्छे होने चाहिए। लेकिन ये हकीकत है कि जब हमारे अमाल अच्छे होते हैं तो हमारे अंदर फियर ऑफ डेथ भी कम होता है। बाकी कुछ लोगों में फियर को करने का आदत होती है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं कोप कर गया हूँ कमी भाई से कोचिंग लेकर। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला आपको मजीद सेहत दे तरह। सर आज रीडिंग की क्लास में फिर हार्ट बीट तेज हो गई थी, आवाज़ मुँह से आवाज़ नहीं निकल रही थी। अब यही तो वो चीज़ है कि आपने अपना इमेज जो है वो कमज़ोर कर दिया है और आपने इर्द गिर्द की जो चीज़ें उनका इमेज बड़ा कर दिया, जिसकी वजह से ये हो रहा है। एक तो वीडियो को लाइक करें और इसको दूसरों तक ज़रूर शेयर करें। का आप मेरे को कोच करो, आप ही को तो कोच कर रहा हूँ यार, और किसको करता हूँ? सब ये सब कोचिंग ही तो चल रही है, और क्या चल रहा है? सर कोई सर पे सवार हो कि कैसे जान छुड़ाए? नहीं, जो बंदा सर पे सवार है ना, उसका तरीका है, बड़ा तरीका है, उसे थोड़ा थोड़ा इनकार करने की आदत डालें, इंशाल्लाह वो खुद ही सवार होते उतर जाएगा। सर मेरी तैयारी नहीं होती, पढ़ने की कोशिश करती हूँ नहीं हो पाती, इसलिए तो तैयारी नहीं है तो डर ही इसलिए। अच्छा अब फियर ऑफ डेथ के लिए सबसे पहले क्या करना है? अब मैं बात कर रहा हूं कि हमने करना क्या है। एक तो सबसे पहली चीज, अभी हमने क्या करना है, रमजान के रोजे पूरे रखने हैं। उसके लिए सबसे पहली चीज, मैंने अभी एक वीडियो बनाई थी डाइट प्लान, जो मेरा डाइट प्लान है उस डाइट प्लान को फॉलो करो, आप रोजा रखो, पहली चीज। दूसरी चीज ये, मोबाइल के इस्तेमाल को अपने अंदर से निकाल दो। मोबाइल का इस्तेमाल हमारे मेलाटोनिन और सेरोटोनिन और इन सब चीजों को डिस्टर्ब करता रहता है। मोबाइल का इस्तेमाल रात होते ही कम कर दो। डाइट, आपकी डाइट प्रॉपर होना बड़ी जरूरी है। डाइट में प्रोटीन्स का इस्तेमाल होना बड़ा जरूरी है, जिसमें मछली है, गोश्त है, अंडे हैं और जो है वो आपकी फिश वगैरह आती है, रेड मीट आता है। अवॉइड करना है आपने फार्मी चिकन से और फार्मी अंडे से। अब नट्स भी आते हैं इसमें। नट्स में आपने पिस्ता, बादाम, काजू, अखरोट लेने हैं। जिन लोगों को डायबिटीज का मसला है वो काजू ले सकते हैं, लेकिन लिमिटेड क्वांटिटी में। एक्सरसाइज, पाकिस्तानी खित्ते के अकॉर्डिंग जिन लोगों का बैठने का काम है वो अपनी एक्सरसाइज जितनी कर सकते हैं वो लाजमन करें। और एक्सरसाइज का मतलब ये नहीं बहुत ज्यादा वजन उठाना है, नॉर्मल नॉर्मल वजन उठाना है आपने, नॉर्मल, बहुत ज्यादा वजन नहीं उठाना आपने एक्सरसाइज करते हुए। मतलब होता है ना, हम लोग जाते हैं और एकदम ही दम 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 दम, वो नहीं करना, नॉर्मल थोड़ा थोड़ा। जो लोग मेरी बहनें घर पर है वो घर में एक्सरसाइज कर सकते हैं, इसमें कोई जो है वो बड़ी बात नहीं है। आप कर सकते हैं घर में, कोई ईंटें उठा के रख सकते हैं, बर्तन धो सकते हैं, कोई छोटा मोटा काम कर सकते हैं। उसके बाद आपने अपने वेट को बैलेंस करना है। आपका वेट आपके कंट्रोल में होना चाहिए। अगर आपकी एज, क्योंकि मेरे चैनल पे ज्यादातर लोग जो है वो 30-35 से दरमियान है, आपका वेट 80 से एक्सीड नहीं करना चाहिए। आपने फिर बात आती है काम करना अपने स्टमक पे। अगर आपका स्टमक लूज होगा या कॉन्स्टिपेटेड होगा तो आपको ऑटोमेटिकली आपका जो कॉर्टिसोल लेवल है वो हाई रहेगा, आपके अंदर जो स्ट्रेस हार्मोन्स हैं वो ज्यादा रहेंगे,
आपके जो डिफरेंट तरह के जो केमिकल हैं वो इम्बैलेंस ही रहेंगे, क्योंकि ये जो है ये 90% हमारा किरदार अदा करता है। सेकंड ब्रेन इसको कहा जाता है, गट ब्रेन इसको कहा जाता है। ये चीज़ें हो गई। अब बात आते हैं हम एनएलपी पे, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग पे। एनएलपी क्या होता है कि हमारा दिमाग किसी चीज़ को देखता है, उसके ऊपर जो है ना वो डिसाइड करता है पहले कि मैं क्या हूँ, इस प्रॉब्लम के आगे। आप जरा समझे कि आपको एक ख्याल आया कि मैं मर जाऊंगा। अब उस एक ख्याल के पीछे बैकएंड पे बहुत ज्यादा कोड चले। जो लोग कंप्यूटर से रिलेटेड हैं उनको तो पता होगा कि उसके पीछे बड़ी क्यूरीज चलती हैं। लाइक आप कोई भी पीएचपी का फंक्शन परफॉर्म करते हैं या कोई भी फंक्शन आप परफॉर्म करते हैं, तो उसके पीछे बैकएंड पे बहुत ज्यादा क्यूरीज चलती है। हमारा ये जो दिमाग है 2.5 पेटाबाइट्स की जो हार्ड डिस्क है, इतनी स्टोरेज जितनी ज्यादा है, वो इतनी ज्यादा क्यूरीज चलती है, वो इतना कुछ चलता है, फिर वो डिफाइन करता है, फिर वो देखता है, कुछ चेक्स लगाता है। उस चेक्स में होता है कि हमारा वेट कितना है, हमारी एक्सरसाइज की रूटीन कितनी है, हम मोबाइल कितना इस्तेमाल करते हैं, हम क्या क्या कुछ करते हैं। दिमाग इसको एक तराजू में रख के तोलता है। उस तराजू के दो पैरामीटर्स होते हैं। एक पैरामीटर ये होता है कि एग्जाम्पल से समझाता हूँ, एक है पहलवान ए और एक है पहलवान बी। एक पहलवान ए ये है 10 बजे सोता है, सुबह 5 बजे उठता है, आधा घंटा एक घंटा एक्सरसाइज करता है, रनिंग करता है, वॉक करता है, जो भी उसको होता है वो अवेलेबल होता है, प्रोटीन बेस्ड डाइट खाता है, बाहर का कुछ नहीं खाता जो है वो, मतलब बोतलें नहीं पीता और ये पिज्जे नहीं खाता। वक्त पे नाश्ता करता है, वक्त पे दोपहर का खाना खाता है, एक्सरसाइज करता है, फिर शाम को एक्सरसाइज करता है, ड्राई फ्रूट्स लेता है, फिश लेता है। एक तरफ ये पहलवान है और जिसका बड़ा स्ट्रॉन्ग बिलीव है, एक तरफ है पहलवान बी। और पहलवान बी के आप तराजू में रख के देख लो, ऑपोजिट है। मर्जी से सोता है, मर्जी से उठता है, सारा दिन मोबाइल का इस्तेमाल करता है, दिल किया तो खा लिया, दिल किया तो नहीं खाया। अब इन दोनों को पता चला है, ऐलान हुआ है कि पहलवान ए का और पहलवान बी का मुकाबला आने वाला है। अपने अपने जहन से बताएं कि पहलवान ए डरेगा कि पहलवान बी डरेगा। आप जरा कमेंट करें, कौन से बंदे के दिल में डर होगा, कौन से बंदे के दिल में फोबिया होगा, फियर होगा, एंजाइटी होगी। करेंगे बताएं भी, पहलवान ए के दिल में डर होगा, फियर होगा, फोबिया होगा, एंजाइटी होगी, कि पहलवान बी के दिल में। इट्स अब जहन में, दिल में नहीं। डर किसके अंदर होगा, फियर किसके अंदर होगा? कहाँ चले गए हो, जाग रहे हो, सो तो नहीं गए? पहलवान बी, पहलवान बी, पहलवान बी। अब यही सोच लो कि तुम भी पहलवान बी हो। इसमें फियर ऑफ डेथ भी आएगा, फियर ऑफ हार्ट अटैक भी आएगा, कार्डिक फोबिया भी आएगा, इसमें ड्राइविंग फोबिया भी आएगा, इसमें हर चीज का फोबिया आएगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारा दिमाग जो है वो पहले तुम्हारे पूरी अपेयरेंस को देख के फैसले कर रहा है कि ये बंदा स्ट्रांग कितना है। आप कमजोर हो क्योंकि आप अपने आप के ऊपर वक्त नहीं लगा रहे, आपके बिलीव्स उतने ज्यादा नहीं है। और बिलीव्स बनते हैं हमारे एक्सपीरियंसेस से, हमारे एक्सपीरियंसेस जो है वो हमारे बिलीव सिस्टम को डेवलप करते हैं। तो हमारा जो, आप जरा सोचो, आपको जब पहली दफा फियर ऑफ डेथ हुआ, वो इसीलिए हुआ ना कि आपने अपने आप को देखा कैसे, या तो किसी की डेथ की खबर सुनी, या आपने कोई पैनिक की सिचुएशन को किया, मतलब आपको पैनिक अटैक आया और आपको लगा कहीं मैं मर ना जाऊं, ख्याल आया ना, आपने उसको पकड़ लिया। वो मरने की जो सिचुएशन थी, जो मरने का ख्याल था, वो कहाँ से उसने आपको पकड़ लिया?
अब वो ख्याल दिन में 50,000 लोगों को आ सकता है, 50 लाख लोगों को आ सकता है, इतनी बड़ी दुनिया की आबादी है, उनमें से कितने लोगों को वो अपनी गिरफ्त में लेता है? सिर्फ उन लोगों को अपनी गिरफ्त में लेता है जो कि पहलवान बी की तरह अपनी जिंदगी में गलतियां कर रहे होते हैं। हमारा डिप्रेशन, हमारी एंजाइटी इस 70% की वजह से हमारी जिंदगी में कॉज होता है। बहुत सी रिलेशन, बहुत सी लाइक और भी रीजंस हो सकती हैं, जेनेटिकली भी हो सकता है, आपको माँ बाप की तरफ से भी मिल सकता है, एक्सपीरियंस से भी हो सकता है कि हमने दूसरों को देखा फिर हमारा भी वो सब हो गया, या हमने दूसरों के बारे में सुना, ये सारी चीजें जो है वो हो गई। बट आपने इसको डील करने के लिए अभी तक आपने क्या क्या किया, ये बहुत बड़ा डिप मतलब जो करता है, मैटर करता है। मेरा सवाल अब तमाम लोगों से ये है कि आपने पहलवान ए बनना है कि बी बनना है? पहलवान ए बनना है कि बी बनना है? बताएं आपने पहलवान ए बनना है कि बी बनना है? व्हाट यू वांट टू बी इन योर लाइफ आपके ऊपर डिपेंड करता है, टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। एक तो वीडियो को लाइक करते हैं, इसे दूसरों तक जरूर शेयर करते हैं। पहलवान ए बनना है। अब पहलवान ए बनने के लिए क्या क्या हमें चाहिए होगा, आप बताओ। और ये आपका 70% है, 70%। वो जो 30% है वो मोर इंपॉर्टेंट है ये 70% से, लेकिन ये भी मोर इंपॉर्टेंट, दोनों चीजें कम्बो है। अगर दोनों चीजें नहीं आप करेंगे, लेकिन वो अगर आप उसमें भी एक्सपर्ट हो जाएंगे तो वो भी आपको काफी बेनिफिट करेगा। अब पहलवान ए बनने के लिए आपको क्या क्या कुछ करना पड़ेगा? हमारी ये जो फेसबुक लाइव है रोजाना रात 10 बजे जब तक रमजान है, ये फेसबुक पे होगी, और फिर ये जो रिकॉर्डेड है फिर ये हमारी जो है वो दूसरे हमारे यूट्यूब चैनल पे दोपहर जो है वो तकरीबन 11:30 या 11:45 पे हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोड होगी। वीकनेस को खत्म करने के लिए कोई अच्छी चीज बता दे। वीकनेस को खत्म करने के लिए अपने यहां से काम करें, जो चीजें आप कर रही हैं वो करती रहें, बार दफा यहां भी वीकनेस बैठ जाती है। यही डिफाइन करता है कि आप स्ट्रांग हो कि आप वीक हो। आपका वो 70% पूरा होना चाहिए, तो ये आपकी छोड़ दें, फिर इसको ट्रेन करें, ट्रेन योर ब्रेन। आइंदा के बाद आपने कहना मैं तो स्ट्रांग हूं, मैं तो बहादुर हूं, यकीन करें आपके अल्फाज आपको डिफाइन करते हैं कि आप क्या हैं। आपके अल्फाज बताते हैं आपको आप कमजोर हो कि ताकतवर। अल्फाज जिस चीज को डिफाइन करते हैं वो 70% मैंने बता दिया आपको। आइंदा के बाद आपने कहना नहीं कि मैं कमजोर हूं, बुक्का मार के बदाम तोड़ दिया करें और कहा देखो मजबूत है, छोटे मोटे 2-3 टास्क कर लें। जबरदस्त हो गया, अपनी रूटीन ठीक करनी पड़ेगी, और रूटीन में क्या क्या चीजें आएंगी। जो जो बंदा इस स्ट्रीम को देख रहा है, लाइव देख रहा है, आप सिर्फ इन चीजों पे अमल कर लो, आप मुझे दुआएं दोगे। मुझे इतना बिल्कुल 110% यकीन है कि आप मुझे दुआएं दोगे, और इंशाल्लाह आप जो है वो बेहतरीन। इमोशनल इंटेलिजेंट कैसे बना जाए उसके लिए वीडियोस मेरी हैं, उसको लाजमन देखें, लेकिन अभी टू द टॉपिक हम बात करेंगे। सर मेरी इंटेलिजेंट एग्जैक्टली वो इसलिए आप सुनते हैं, न्यूज सुनते हैं ना, क्योंकि आपके जो है वो ट्रिगर्ड हो जाती है, लेकिन उसको आप बहुत ज्यादा परेशान नहीं हो उस चीज को लेकर, ये थोड़ी देर रहती है। आप इसको लाइक ईजी लेना शुरू कर दें अपने आप से, कहीं यार ये तो सबको होता है, और ये थोड़ी देर की कैफियत है, इंशाल्लाह भी ठीक हो जाएगी, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। एग्जैक्टली हो सकता है, जेनेटिकली हो सकता है, भाई मुझे भी तो जेनेटिकली था, मेरे मतलब वालदा को भी है और मेरे वालिद साहब को भी बहुत शदीद किस्म का था। अब मुझे काफ़ी चीज़ें जो है मैं देखता हूँ तो होती पता चलती हैं, और इसके अलावा मेरे खानदान में बहुत सवेर लाइक ओसीडीज के जो है वो होते हैं। अच्छा अच्छा सा उसामा, वो माशाल्लाह माशाल्लाह यार मुबारक हो, अल्लाह ताला आपको जो है वो आपकी जॉब अच्छी करें, बड़ी अच्छी, बल्कि आपकी तो जॉब बहुत अच्छी है, बड़ी ज़बरदस्त है,
अस्सलाम वालेकुम सर, मुझे एंजाइटी हुई थी, मैं कमरे की तरह से व्यक्ति को सर बोल दिया। ज़बरदस्त हो गया, ज़बरदस्त यार उसमें, आप खुश रहो, खुश रहो, ये बहुत ज़रूरी है। नेगेटिव ड्रीम्स इसलिए आते हैं कि आप नेगेटिव सोच रहे हो, पॉजिटिव सोचना शुरू कर दो, पॉजिटिव ड्रीम्स आ जाएंगे। आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, एक दोस्त था तो उसकी उसके ख्यालात में ना हमारी एक टीचर्स थे और वो टीचर आती थी, हम बड़े परेशान थे कि इसके ख्वाबों में ये टीचर ही क्यों आती है। बेसिकली वो होता है ना, लाइक आप 9th 10th में होते हो तो आपका फर्स्ट क्रश जो होता है वो आपकी टीचर होती है, तो उसका भी फर्स्ट क्रश उसकी टीचर थी। वो जब भी ख्याल सोचता था या उसने बड़े बड़े लोगों से उसकी तबीर पूछी, उस टाइम तो हमें इतना नहीं पता था, तो वो कभी उस टीचर के साथ कहीं घूम रहा है, कभी खाने खा रहा है, कभी कुछ कर रहा है, तो कभी वो सोचता रहता था उसके बारे में। तो फिर लाइक बाद में हमें पता चला कि वो उस टीचर के बारे में बहुत ज़्यादा सोचता है। तो जिस चीज़ के बारे में आप सोचते हैं, अगर आपके जहन में डर है तो आपको डर के बारे में ख्याल आएंगे, अगर आपके जहन में टीचर है तो आपको टीचर के बारे में ख्याल आएंगे। अब किसान के बारे में, किसान की ख्वाब में क्या आएगा कि मेरी फसल कब तैयार होगी? हर बंदे के ख्याल में जो होता है वही उसके ख्वाब में होता है। तो आपके ख्वाब में जो है ना वो चीज़ ये है, नींद, डाइट, एक्सरसाइज और मस्ट इबादत। इबादत तो ऑब्वियसली जरूरी है, बैकबोन है मुसलमान की, बैकबोन क्या है? इबादत है। बाकी वीडियो को अगेन जहां तक आप शेयर कर सकते हैं करें और इसको लाइक करें। अच्छा, अब मैं आपको ना एक सिंपल सी एक्सरसाइज बताता हूँ। जिन लोगों को फियर का मसला है, जिन लोगों को कॉन्फिडेंस का मसला है, जिन लोगों को लाइक किसी डर का मसला है या किसी ऐसी चीज़ का मसला है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि एक एक्सरसाइज करें, अपने माइंड को एक पैटर्न दे दें कि भाई मैं तो बहादुर, मैं तो परेशान ही नहीं होता, मतलब परेशान होता हूँ लेकिन परेशान रहता नहीं। दो चीज़ें हैं समझ लीजिएगा, एक होता है परेशान होना और एक होता है परेशान रहना। हम परेशान रहते हैं, हमने परेशान होना है, वक्ती तौर पर परेशान होना, तो फिर उसका हल तलाशना और फिर उस पर काम करना। पहली चीज़, आपने अपने माइंड के प्रोग्रामिंग कर देनी है, मतलब इसके पैटर्न्स बदल देने हैं। कैसे बदलने हैं? आपने अपनी हर बुरी से बुरी सिचुएशन में भी अपने आप को एक ही चीज़ कहनी है कि यार ये जो हो गया ना, लाइक फर्ज करें अगर किसी की आपने दर्द का सुन लिया, तो अपने आप को अपने ये काउंटर सेंटेंस कहना है कि ठीक है यार, वो चला गया इस दुनिया से, तो उसने भी चले जाना है, मैंने भी चले जाना है, सबने हमने चले जाना है, लेकिन मुझे उसके लिए तैयारी पूरी करनी है। पहली चीज़ ये, 70% पे भी आपने काम करना है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये, अब मैं ना इसके कंक्लूजन्स की तरफ आ रहा हूँ, तो काइंडली अब मैं आपको तो शायद रिप्लाई ना कर सकूँ, एक तो वीडियो को लाइक करें और दूसरों तक शेयर करें। उसके बाद दूसरी चीज़ ये आती है कि आपने जो आप सोच रहे हैं, आपने उसको थर्ड पर्सन होके सोचना है कि हो सकता है ये ऐसे ना हो जो मैं सोच रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आपने किसी भी नेगेटिव सेंटेंस को अपने अंदर पॉजिटिव जरूर कर लेना, उसको नेगेटिव के अंदर नहीं उलझना। मतलब हमारे यहाँ क्या मसला होता है कि हम एक सोच को पकड़ लेते हैं और उस सोच से जान छुड़ाने की कोशिश करते हैं। सोच वहीं रहे, आप वहां से शिफ्ट हो जाए, अपने आप को शिफ्ट कर लें। कैसे करेंगे वो आप उसी सूरत करेंगे जब आप ये आर्ट जानते होंगे। वो आर्ट कैसे आती है? वो आर्ट इसलिए आती है कि जब हमारे अंदर हमारा इमेज स्ट्रांग हो। 70% लाजमन है, ये 30% है। उस 30% में हमने मेडिटेशन भी करनी है, रोजाना अपने ब्रेन को ट्रेन भी करना है। ट्रेन कैसे करना है? उसके लिए सिंपल, आपने आंखें बंद करनी है और नाक से सांस लेना है और नाक से छोड़ना है। रेडी हैं आप इस एक्सरसाइज के लिए? थोड़ा मैं जरा आपको बता देता हूँ कि आपने किसी भी फियर के इमेज को स्ट्रांग से नीचे कैसे लाना है और अपने आप को कैसे स्ट्रांग करना है। आप जरा एक चीज देखिएगा, जब आप परेशान होते हैं तो आपकी फिजियोलॉजी बदल जाती है, आपके फेशियल एक्सप्रेशन बदल जाते हैं। आप उस चीज को देख के, उस चीज को देखते हो, अपने आप को नहीं देखते हो। और जब कभी आप अपने आप पे कैमरा मारते हो, आंखें बंद करके व्यूल करते हो, आप बड़े डरे हुए होते हो, वो इमेज बड़ा स्ट्रांग होता है। उस इमेज के बदले में आपने अपने इमेज को ऊपर लाना है, वो इमेज खुद ब खुद ही नीचे आ जाएगा। अल्लाह ताला ने हमारे दिमाग को इतना स्ट्रांग बनाया। करना कैसे है? जिन लोगों को एंजाइटी का मसला है, सोशल एंजाइटी है, डेथ फियर है, हर ये जो है ना, ये हर केस में ये इम्प्लीमेंट होता है। अपने आप को आंखें बंद करके अपने इमेज को सामने लाएं और मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ देखते रहें कि आपने अपने आप को देखना है और ये सोचना है कि आपने अपने पसंदीदा कपड़े पहने हुए हैं, फेवरेट कपड़े पहने हुए हैं,
फेवरेट आप अपना खाना खा रहे हो और आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो, और आप अपने अगर जिन लोगों को सोशल का है तो वो उन लोगों के साथ बात कर रहे हैं जो उनके फ्रेंड्स हैं या रैंडम लोगों के साथ बात करें, ये एक एक्सरसाइज आपको बहुत ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करेगी, आप सोच भी नहीं सकते। जिन लोगों को रश का मसला है, बाइक नहीं चला सकते, उन्होंने आंखें बंद करके सोचना है मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ अपने फेवरेट कपड़ों के साथ कुछ खा रहे हैं, फेवरेट उन्होंने खुशबू लगाई है, जितनी ज्यादा आप सेंसेस इस्तेमाल करेंगे, नाक को इस्तेमाल करेंगे, मुंह को इस्तेमाल करेंगे, आंखों को इस्तेमाल करेंगे, कानों को इस्तेमाल करेंगे, उतना ज्यादा आपकी ये विजुअलाइजेशन स्ट्रांग हो जाएगी। वो आंखें बंद करके वो बाइक चला रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, कुछ अपना फेवरेट फूड खा रहे हैं, सोशल भी हो गया जो है वो, रश का भी हो गया। अब एक भाई को क्लास का था, इसको क्लास में कैसे करना है, आंखें बंद करें आप सोचें आप क्लास में बैठे हैं, फेवरेट आपने अपने कपड़े पहने हुए, फेवरेट परफ्यूम लगाया हुआ, मजे से खाना खा रहे हैं, कुछ खा रहे हैं, टॉफी खा रहे हैं, बबल खा रहे हैं, व्हाटएवर जो भी है, आपके सामने कोई बंदा पढ़ रहा है, आप उसके सामने पढ़ रहे हैं, वो एक क्रॉस जो है वो थोड़ी सी आप जरा इसको विजुअलाइजेशन को कर लीजिएगा, कोई आप इसको जो है ना वो कर लीजिएगा। अब बस अब इसके बाद फर्ज करें कोई बंदे की डेथ फोबिया है, उसमें आप ये कर सकते हैं कि आप सोच सकते हैं कि यार एक बंदा आपके पास जो है वो डेथ की खबर लेकर आया, तो आपने उस पर कोई रिएक्ट नहीं किया, आपने रिस्पॉन्ड किया कि ठीक है यार जिंदगी की मौत, जिंदगी की हकीकत है मौत, कुल्लू नफ्से जायकतुल मौत, हर इंसान ने जो है वो मौत की लज्जत को चखना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तैयारी पूरी है, जब अल्लाह की अल्लाह चाहेगा मैं चला गया इस दुनिया से। मौत उम्र नहीं देखती, मौत कुछ भी नहीं देखती, वो जब आनी है तब वो आनी है, हमें तो एक लम्हे का भी नहीं पता, बस तैयारी पूरी करनी है और अपने आप को रिलैक्स रखना है। आपने इस चीज को इस तरह भी करना है, जिन लोगों को हार्ट फोबिया है वो ये भी सोच सकते, आंखें बंद करके वो ये भी सोच सकते कि वो इसी चीज करा रहे हैं, या जो भी वो जिस तरह का वो प्रोसीजर करते हैं उसमें भी वो बिल्कुल मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ कर रहे हैं, हो रही है इसी चीज तो हो जाए, क्या होगा, कोई टेंशन नहीं, कोई मतलब है ही कोई नहीं, कुछ नहीं है भाई, इसी चीज तो 100 बंदे कराते हैं, मैंने करा ली तो क्या होगा। इन सब चीजों से ये 30% मोर इम्पोर्टेंट है 70% से। अगर आपने ये नहीं किया तो वो जितना मर्जी किया बेकार है, और अगर आपने वो नहीं किया और ये जितना मर्जी किया एक हद तक आपको तंग करेगा, बट एक वक्त आएगा ये आपको बहुत ज्यादा आगे तो ले जाएगा लेकिन आपको डैमेज करेगा। मैं रिकमेंड करूंगा अपने दोनों को कंप्रोमाइज करना है। आपको समझ आ गई, सबको समझ आ गई, काइंडली मुझे कमेंट कर दो, जिसको कोई इससे रिलेटेड कोई सवाल है मैं जवाब जरूर देता हूं। जालमो लाइक ही कर दो, तेन शेयर भी तो कर दो। शहजाद भाई आप ये जो बातें मैंने आपको कही हैं ये वीडियो आपने दोबारा देखनी है और पूरी इस वीडियो को आपने समझने की कोशिश करनी है, एक बार में समझ नहीं आएगी, इसको कोशिश करें, अगर आप इसको समझ गए ना आपके ये सारे मसले हल हो जाएंगे। जल्दी कमेंट करें, जल्दी कमेंट करें। आप काइंडली इसको जो है ना वो रिपीट करने की बजाय ना आप इसको थोड़ा पॉज करके पीछे से देख लीजिएगा, वो बेहतर रहेगा। देखो यार ये वो बातें होती हैं, ये वो चीजें होती हैं जो बाय प्रैक्टिस होती हैं, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, मैं एक बात हमेशा सब लोगों को कहता हूं यार, मुझे खुशी उस सूरत में होती है जब कोई बंदा मेरी बात को लाइक उतनी अहमियत दे जितनी मैंने दूसरों की बातों को अहमियत दी है, खुशी होती है। अगर आप इन बातों को यकीन के साथ करोगे ना तो कसम से आपको इतनी जिंदगी में चीजें मिल जाएंगी ना, जो मुझे पता है मैंने कितनी कॉस्ट पे करके दी है और कितना दर्द तकलीफ और बहुत कुछ के बाद पे की है, जो मैं शायद लोगों को मुफ्त बताता हूँ लेकिन लोग जो है वो उस पर फिर अमल नहीं करते, वो गलत चीज़ है, करें उस पर अमल लाजमन करें। दुश्मनों से बहुत डर लगता है कोई नुकसान ना हो, और दुश्मनों का क्या डर, अल्लाह का डर, जिसके दिल में अल्लाह का डर है फिर उसके दिल में किसी का डर नहीं। दुश्मन देखिए इस वक्त के
प्राइम मिनिस्टर के कितने दुश्मन हैं, इस वक्त के फकीर कोई जो बेचारा बिल्कुल झोंपड़ी में रहता है उसके कितने दुश्मन हैं, बादशाह को देख लें, फकीर को देख लें, हर बंदे के दुश्मन हैं। आपने दुश्मनों से नहीं घबराना, आपने अपने आप पे काम करना है, खुद को ताकतवर रखें, कर ले जो कर सकता है, फिर बिगाड़ ले जो बिगाड़ सकता है, कुछ कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इंसान की मिसाल लोहे जैसी है कि लोहे को सिर्फ दिमक खा सकती है, इंसान को भी इंसान खुद ही ज़्यादा बर्बाद करता है, दुश्मन तो कम करता है। दुश्मन ने तो पता नहीं कब वार करना है कब नहीं करना, रोज़ तो हम खुद ही खुद पे वार करते रहते हैं, ऐसे 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 अभी सोच सोच के परेशान होते रहते हैं। मेरा बीपी भी लो हो जाता है, हो जाता है, इट्स कॉमन, एंजाइटी में हो जाता है। और आपको तो वैसे भी आईबीएस है, तो आईबीएस में जो है वो जब आप स्टूल पास करते हो तो उसमें होता है। देखिए दर्द और तकलीफ और लाइफ के एक्सपीरियंसेस इंसान को बहुत कुछ सिखा देते हैं जो वो चाहकर भी नहीं सीखना चाहता। अभी ये बातें जो मैं मुफ्त में बता रहा हूँ ना, बहुत से लोग सुन रहे हैं, कुछ इन पे अमल नहीं करेंगे, और जो अमल नहीं करेंगे उनकी तादाद ज़्यादा होगी। एक वक्त आएगा जब उनको दर्द होगी, तकलीफ होगी, फिर वो अमल शुरू करेंगे। तो दर्द, तकलीफ, एक्सपीरियंसेस जो है ना, उन्हें बहुत कुछ सिखा देते हैं और बहुत ज़्यादा इंसान को जो है ना वो आगे ले जाते हैं। काइंडली सब शेयर करें, सब कुछ शेयर है। आईबीएस के ऊपर मेरी वीडियो बनी हुई है कैसे मैनेज करें, इसके ऊपर जो है वो आप यूट्यूब पे चैनल पे सर्च कर सकते हैं हमारे, और आप देख सकते हैं। सर कॉलेज की लड़कियां बहुत मैसेज करती हैं इंस्टा पे, जान नहीं छोड़ती लेकिन मैं इग्नोर करता। हल्ला